स्क्रिप्ट राइटर या आपके डायरेक्टर के साथ मेडल करने के लिए भी होता है? बिकॉज देयर आर ऑफ पीपल हु अक्यूज कि आमिर खान जो है वो ही हैज टू मेडल विद द स्क्रिप्ट, ही विल अनलेसेंटली ही मेडल्स विद इट अनलेस ही सीज दैट ओके दिस स्क्रिप्ट हैज रीच्ड टू हिज लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, ही विल नॉट अलाउ इट टू गो. द सेम गोज विद योर डायरेक्टर्स. कहते हैं बहुत सारे डायरेक्टर्स आपसे इस बात से नाराज रहे हैं कि आमिर खान ने हमेशा उनको कहते ना हिंदी में उंगली करते रहे, नहीं नहीं ये शॉट नहीं ठीक है, इसको ऐसे लेना चाहिए, नहीं नहीं ये गलत है डायलॉग डिलीवरी, ये सही नहीं रही, इसको ऐसे करना चाहिए. दे हैव बीन अपसेट विद यू. आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है इसमें. आप शायद फिल्मी मैगजीन बहुत पढ़ती हैं. ये फिल्मी मैगजीन जो है ये सब कहानियाँ बनाते हैं और लिखते हैं मेरे बारे में. सब लोगों के बारे में अलग अलग कहानियाँ बनाते हैं, मेरे बारे में ये कहानी बनाते हैं और कुछ मिलता नहीं उन्हें. आई डोंट इंटरफेयर एट ऑल इन माई डायरेक्टर्स वर्क. आई रिस्पेक्ट माई डायरेक्टर्स कम्प्लीटली. जब कोई डायरेक्टर आता है मेरे पास कहानी सुनाने के लिए, तब मैंने उसको हाँ नहीं किया है. अभी तक मैं कहानी सुन रहा हूँ तो उस वक्त आई मीन ऑल माई राइट्स टू से येस और नो कि भाई मुझे पसंद नहीं आई या मुझे पसंद आई. दैट इज नॉट कॉल्ड इंटरफेरेंस, दैट इज कॉल्ड चूजिंग एंड सेलेक्टिंग विच फिल्म यू वॉन्ट टू डू. लेकिन एक दफा मैं हाँ कहता हूँ डायरेक्टर को तो वॉट एवर ही डिसाइड्स इज द फाइनल वर्ड. एज अ यूनिट मेंबर आई एम कंसर्न अबाउट माई फिल्म. अगर मुझे लगे कि भाई आप किस जिस कुर्सी पर बैठी हैं उसका जो एक पाँव जो है वो टूटा हुआ है, गिरने वाली हैं आप, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कहूं कि भाई देखिए ये पाया जो है आपका ये कमजोर है, शायद टूट जाएगा. फिर आपके पर है कि आप उठ के उसको संभालें या ना संभालें. लेकिन अगर मैं इस पाए को देखूं और मैं चुप रहूं कि भाई गिरने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज नॉट राइट ऑन माई पार्ट. अच्छा हो सकता, ऑफकोर्स लेते हैं. आई थिंक ऑल माई डायरेक्टर्स आई एंजॉयड वर्किंग विद मी. वो बात अलग है कि शायद मेरी नजर गलत देख रही हो तो मैं आपको कहूंगा कि भाई देखिए आपका पाया जरा हिल रहा है, आपने चेक किया बोला नहीं भाई ठीक है मैंने देख लिया, दैट्स फाइन. तो आई एम कंसर्न अबाउट माई फिल्म एंड लाइक एवरी यूनिट मेंबर शुड बी, नॉट ओनली मी एवरीबडी एंड ऑल द फिल्म आई वर्क विद. फॉर एग्जाम्पल लगान जो हमने की, जितने कास्ट और क्रू थे दे वर वेरी पैशनेटली इन्वॉल्व विद द फिल्म. तो हर आदमी अपनी तरफ से कन्वे करता था, कॉन्ट्रीब्यूट करता था. बट आशुतोष इज द पर्सन हु इज द राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. ही इज द पर्सन हु नोज वॉट इज बेस्ट फॉर द फिल्म. आई डोंट नो वॉट इज बेस्ट फॉर द फिल्म, ही नोज वॉट इज बेस्ट फॉर द फिल्म. अच्छा आपने आशुतोष को क्यों डिसाइड कर लेने के लिए for a such a big budget film and for such a you know prestigious film aur aap pehli dafa as a producer utar ke aa rahe the to aapne matlab ashutosh ka jo hai ashutosh commercially is not you know maybe lagan is his biggest film at the moment ji kya kya tha ashutosh mein jo aapne liya aisa kya tha well ashutosh is extremely talented इससे पहले वो दो फिल्में बना चुका है. पहला नशा जो इतनी जो चली नहीं, बाजी जो बहुत एवरेज गई. मेरा भी मानना यह है कि जो उसने दो फिल्में अभी तक बनाई हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क, दे आर नॉट फुल्ली, ही कैन डू मच बेटर, ये मेरी फीलिंग है वो दो फिल्म देख के भी एज एन ऑडियंस, एज अ फिल्म मेकर, एज अ फिल्म पर्सन. बट इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि ही इज वेरी टैलेंटेड. और हर आदमी अपनी पहली फिल्म में कामयाब नहीं हो जाता, हर आदमी अपनी पहली फिल्म में अच्छा काम नहीं करता कभी कभी. तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है. और ये टैलेंट और पोटेंशियल मुझे लगता है लगान के जरिए वो अपने आप को प्रूव कर पाएगा टू द फिल्म इंडस्ट्री, टू द ऑडियंस. लगान एक ऐसी कहानी जो उसके अंदर से आई, जो उसने बहुत पैशनेटली बनाई है. एज ए डायरेक्टर ही हैज बीन वेरी क्लियर कि भाई मुझे क्या करना है इस फिल्म के लिए. हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज हिज ऑनेस्टी, जिस सच्चाई से वो स्क्रिप्ट को शूट करता है, जिस सच्चाई से वो परफॉर्मेंसेस निकालता है, ही स्टेज ऑनेस्ट टू द स्क्रिप्ट एंड हिज सेंसिबिलिटी इज वेरी करेक्ट, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट ही इज डूइंग. आप मुझे परफेक्शनिस्ट कहते हैं, उसको देखिए कभी किसी चीज को छोड़ता नहीं वो, यू नो. सो ही वर्क्स वेरी पैशनेटली एंड आई फील दैट यू नो ही इज वेरी टैलेंटेड. द स्क्रिप्ट ही इज रिटन इज वेरी यूनिक एंड गुड. So he deserves to be given that opportunity, and I am happy and proud to give him that opportunity. कहते हैं प्राइम मिनिस्टर और एलके अडवाणी साहब ने आपकी फिल्म को देखा और उन्होंने कहा भाई वाह, is that true? हाँ, बल्कि हमारी हमारी पहली स्क्रीनिंग थी वो, जो
प्रधानमंत्री जी ने देखी, अटल जी ने, और उसके बाद अगली स्क्रीनिंग अडवाणी जी ने देखी, सुषमा जी थी पहली स्क्रीनिंग में, एंड वी वर वेरी हैप्पी दैट यू नो इतने बिजी शेड्यूल से उन्होंने वक्त निकाला हमारी फिल्म देखने के लिए, बड़ी खुशी हुई हमें। और जब उन्हें फिल्म पसंद आई तो और भी खुशी हुई। अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा जी, दे लव द फिल्म एंड दे वर वेरी अप्रिशिएटिव एंड वेरी इनकरेजिंग एंड सपोर्टिव ऑफ अस। तो एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट आर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर इन सिनेमा, उनका बहुत वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी नॉलेजेबल पीपल, तो उनका इतना अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा हमें उस मोमेंट ऑफ प्राउड होगा आपके आपके लिए वक्त, बड़ी इज्जत दी हम लोगों को उन्होंने और बहुत खुशी हुई हमें कि उनको पसंद आई फिल्म। अच्छा, आपकी जो फैमिली का, कमिंग बैक टू योर फैमिली ट्रेडिशन, लगान की भी का भी म्यूजिक जो है इट्स अ बिग हिट जी, कहते हैं कि लता जी से गवाने के लिए आपने 6 महीने तक आप उनके पीछे लगे रहे कि मुझे लता जी से गाना गवाना है इसमें, और लता जी जैसी है उन्होंने फिर बहुत दिन के बाद वक्त दिया आपको और फिर वो मिली और फिर उन्होंने गाना समझा और फिर उन्होंने गाना गाया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लता जी इज अ वेरी फाइन पर्सन और उन्होंने हमें बिल्कुल वेट नहीं कराया, शी वॉज वेरी स्वीट। ये बात बहुत सच है कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आशुतोष जो हमारे डायरेक्टर हैं, ही इज अ वेरी बिग फैन ऑफ लता जी, एंड वी वर यू नो वेरी वी वर होपिंग दैट शी विल से यस टू सिंग इन आवर फिल्म, और जब उन्होंने हाँ कहा तो हम बड़े खुश हुए, लेकिन उन्होंने फौरन ही हाँ कह दिया। दैट वॉज हर, यू नो, वेरी नाइस ऑफ हर, शी डिडंट मेक अस वेट।